क्या आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं आपको उतना मॉनेटरी गेन नहीं मिलता? क्या आप जितना पैसा कमाते हैं उतना आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, आप कुछ भी पैसा बचा नहीं पाते? आज इस वीडियो में मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाय, मैं लीना निगम, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं पैसे पे। पैसा हम सबके लिए कितना ज़रूरी है हमारे सर्वाइव करने के लिए इस वर्ल्ड में। आज की डेट में पैसा सबको चाहिए और पैसा कमाने के हम रोज़ नए नए तरीके ढूंढते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स बताने जा रही हूँ जिनसे आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ में और पैसे को सेव कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों। पहले मैं बात करूंगी नॉर्थ दिशा के बारे में। नॉर्थ दिशा देती है हमको अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ से मिलती हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको नए नए क्लाइंट्स नॉर्थ दिशा से ही मिलते हैं। तो वहाँ आप सुनिश्चित ये करिए कि वहाँ पर लाल रंग और पीला रंग बिल्कुल ना हो, उस जगह पर आप ब्लू एंड ब्लैक कलर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, कुबेर देवता। कुबेर हमारी संस्कृति में धन के देवता माने गए हैं, और कुबेर देव का स्टैच्यू या उनकी कोई पिक्चर नॉर्थ में लगाने से आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 2 है प्लांट्स। अगर हम इस दिशा में प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में तो वहाँ पर हमारा एयर एलिमेंट बढ़ता है, जिससे हमारा पैसा भी बढ़ता है। जैसे ही प्लांट्स ग्रो करेंगे आपके घर में पैसा भी बढ़ेगा, और पौधों के अंदर जो कच्ची मिट्टी है उससे हमारे शुक्र देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में और धन धान्य की आगमन होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो वो आपके घर में पैसों की बरकत नहीं होने देगा। आप उसको पौधे को गमले से निकाल करके आप उसको अच्छे से सुखाइए और उसका पाउडर बना लीजिए, और इसी पाउडर को आप विष्णु जी को अगर तिलक लगाएंगे तो विष्णु जी आपसे प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर आप चाय में डाल के भी पियेंगे तो आपका तुलसी जी का सारा जो तत्व है वो आपको मिलेगा और आपका हेल्थ बेनिफिट भी देगा। टिप नंबर 3 है दिया। अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिया जलाते हैं जो कि जोन है फायर की, तो फायर एक्टिवेट हो जाती है जहां से आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास दिया नहीं है तो वहां पे आप लाल बल्ब या रेड कलर का ट्रायंगल शेप का एक पेपर पे लाल पेंट करके भी लगा सकते हैं। टिप नंबर 4 है हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज। अगर हम अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ को साउथ वेस्ट में लगाते हैं जो कि जोन है स्किल्स की, तो हमारे दक्षता बढ़ती है जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। टिप नंबर 5 है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय देवताओं को मिली थी जब समुद्र मंथन हुआ था असुरों और देवताओं के बीच। उसमें 7 जेम्स जो देवताओं को मिले थे उनमें से एक है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय इज़ रिस्पॉन्सिबल हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। कामधेनु गाय को अगर हम साउथ ईस्ट में लगा देते हैं तो हमारा वीनस जो वहाँ के देवता हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम वहाँ से ज़्यादा धन कमा पाते हैं। टिप नंबर 6 है पिगी बैंक, यानी कि मिट्टी की गुल्लक। मिट्टी की गुल्लक तो दोस्तों आपने बचपन में हमेशा इस्तेमाल ही करी होगी। मिट्टी की गुल्लक अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया मिलता है कि हमको सेव करना है, और वहाँ पे इसको रखने से हमारी सेविंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और यही दिशा है हमारे लॉकर को रखने की। अगर आप अपने घर के लॉकर को उस डायरेक्शन में रखते हैं तो भी आप पैसा अच्छे से सेव कर पाते हैं और पैसे को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी 7th टिप है येलो वाज। येलो वाज अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में लगाते हैं जो कि एक डिस्पोजल की जोन है, तो आप अपने घर के फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। येलो वाज आपको वहाँ पे बिल्कुल खाली लगाना है, उसमें आपको कोई फ्लावर्स नहीं लगाने हैं। यहाँ पे लगा हुआ येलो वाज आपके सारे घर के फिजूल खर्ची को बंद कर देगा। अगर आप मेरे इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं, यानी कि
आप ये सब आइटम्स अपने इन जगहों पे लगाते हैं, घर को बैलेंस करके ये लगाते हैं, तो ये सारी दिशाएं आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, आपका पैसा बचेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप ज़्यादा पैसा सेव भी कर पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा भी पाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हर जिंदगी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।